बच्चों, तो आज हम चैप्टर 6 इंग्लिश क्लास 5 की बुक्स में क्लास डिस्कशन वाला चैप्टर करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ द एनसीईआरटी बुक ऑफ इंग्लिश मैरी गोल्ड इन फॉर क्लास 5th। ठीक है, सो नाउ वी कैन स्टार्ट आर स्मॉल क्लास डिस्कशन पोम। सो यूनिट 6। Now listen. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. पहले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसकी पोम का मतलब बताऊँगी। We all heard our opinion, but from you we barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain. Is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in the world who are rather quiet, you know. And this poet name is Jervis Pin. So, इस poem का मतलब क्या है? The meaning of this poem is, तो Jane एक बच्चा था इस poem में, Jane। सो जो क्लास डिस्कशन में क्या करता था, बहुत कम बोलता था, वो हार्डली एक वर्ड बोलता था। जो एयर्ड का मतलब होता है पब्लिक, ठीक है, ओपिनियन मतलब होता है अपने अपने विचार। बट फ्रॉम यू वेयरली, तो वो कहते थे कि हम ये जो पब्लिक है, हम बच्चे हैं, जो हमारी पब्लिक की जो हमारे बच्चे हैं उनकी जो पब्लिक है, वो सब हर एक बच्चा अपने ओपिनियन देता है, पर तुम बड़ी मुश्किल से देते हो। ठीक है, यू सेट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर। तुम बैठे रहते हो चुपचाप से, सब चैट बोलते रहते हैं, बट तुम साइलेंस रहते हो उस चैटर में। नाउ टेल मी जेन, तो उसकी मैम पूछती है, अब मुझे जेन तुम बताओ, एंड बी क्लियर, प्लेन का मतलब होता है क्लियर, और बिल्कुल क्लियर रहना। क्या वहाँ तुम्हारा इज देयर एनीथिंग द मैटर, तो क्या कुछ मैटर है, कुछ प्रॉब्लम है? तो जेन खड़ी हुई एंड उसने बोला, हर वॉइस वॉज क्लियर, उसकी वॉइस जो थी वो बिल्कुल क्लियर थी सबको, और अच्छी आवाज में बोला, देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में बहुत सारे पीपल हैं, हु आर रेदर क्वाइट, यू नो, जो चुप रहते हैं, पर वो उनको सब पता होता है। ठीक है, देयर इस वर्ल्ड में बहुत सारे पीपल हैं जो क्वाइट रहते हैं, पर उनको पता होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट कह रहे हैं सर। ठीक है, तो हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोम आर डिस्कशन, एयर्ड, बेयरली, स्टेयर, प्लेन। तो इसके बारे में मैंने आपको और भी वर्ड्स बताए थे ऊपर, जैसे ओपिनियन हो गया, है ना, ओपिनियन हो गया, और सारी पोम का मैंने डिस्कस किया अबाउट। तो डिस्कशन का मतलब होता है टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। हम बातचीत कर रहे हैं एक सिंगल टॉपिक में। एयर्ड का मतलब होता है, मैंने बताया था आपको, पब्लिक। बेयरली का मतलब होता है सिर्फ, ओनली, जस्ट, सिर्फ। स्टेयर का मतलब होता है लुक फिक्सडली विद आईज वाइड ओपन, मतलब आईज से देखना, हमारी आईज जो है फिक्स्ड होना उस चीज पे। ठीक है, प्लेन का मतलब होता है, मैंने बताया था, क्लियर, बिल्कुल। तो व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, द एक्टिविटी, द डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, हु वाज द क्वाइट वन इन द क्लास। तो ये इसके आंसर दे देंगे, मैं आपको बिल्कुल ये देखिए, रुक जाइए, आपको दिखाती हुई। द
तो यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ अभी, तो आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए द टी एच ई डिस्कशन की स्पेलिंग यहाँ पे देखिए, ये डिस्कशन की स्पेलिंग, और द डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास. हु वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास? जेन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास. वाई वॉज शी क्वाइट? शी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियंस. शी हेटेड द नॉइज. शी डिडेंट लाइक द एक्टिविटी. शी वॉज क्वाइट बाई नेचर. शी वॉज क्वाइट बाई नेचर. हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशंस? डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट? तो मतलब ये पूछे हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशंस. तो ये पूछे कि आप कैसे अपने डिस्कशंस में इंटरेक्ट करते हैं क्लास में. डू यू पार्टिसिपेट? क्या आप पार्टिसिपेट करते हैं और या चुप रहते हैं? मेरे हिसाब से आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो है बोलना इज़ मतलब वी हैव टू से, दैट्स वाई दिस ऐसा ही ज़माना चलता है. ठीक है, तो और कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में जो मुझे लगता है एग्ज़ाम में आएगा. तो इधर टॉकेटिव बार बार है. चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. ठीक है, इसको याद कर लेना. पोम ये लिखने को आ सकती है एग्ज़ाम में. एंड फॉर मोर वीडियोस सो लाइक एंड सब्सक्राइब. तो अभी मैं आपको ये भी करा देती हूँ. आई थिंक क्या है इसमें, चूज़ टू फ्रेंड्स इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ऐसे दो फ्रेंड्स चूज़ करें अपनी क्लास में जो एक दूसरे से बहुत different ho. use the clues in the works to describe their nature. You may also add your own words to describe them. Naughty, lively, sharing, careless, studious, quiet, friendly, helpful, regular, cheerful. ठीक है, ये तो बहुत ईजी है. आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. मीन्स इसमें अपने दो फ्रेंड्स को चूज़ करें क्लास में जो बहुत ही डिफरेंस हो, और इस बॉक्स, ये जो ब्लू बॉक्स है इसमें इनका नेचर डिस्क्राइब करें, और आप अपने ओन वर्ड भी ले सकते हैं. ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दिस वन चैप्टर टॉकेटिव बाबर, द टॉकेटिव बाबर. ओके, देन बाय, वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.